तो अभी हम पहले ही दिन यहाँ पर केरला में पहुँचे हैं और पहले ही दिन हमें यहाँ पर केरला की ट्रेडिशनल फीस सद्या खाने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं टोटल 10 आइटम्स हैं, आंवले का अचार, जिंजर की चटनी, सूखा कोकोनट, दही की चटनी, केले की सब्जी, ये कच्चे केले की सब्जी, ये अवियल है, पापड़, सांभर, राइस इनके देखिए कितने मोटे मोटे, तो चावल आपने नहीं देखे होंगे कभी भी, बढ़िया लग रही है मेरे को ये डाइट देख के ही मज़ा आ गया इसको। नमस्कार, इस समय हम केरल राज्य के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल चुके हैं। केरल राज्य के जितने भी तटीय क्षेत्रों में कोस्टल लाइन में तीर्थ स्थल आएंगे, हम आपको एक एक करके उसके दर्शन करवाएंगे। इस समय हम खड़े हैं गुरुवायूर में। गुरुवायूर जिसे कि दक्षिण की द्वारका भी कहा जाता है, भूलोक का वैकुंठ भी कहा जाता है। केरल राज्य है तो आपको यहाँ पर धार्मिक परंपराएं अपने वर्चस्व पे दिखेंगी। केरल को गॉड जोन कंट्री कहते हैं, तो इसीलिए हम भी अपनी इस केरल तीर्थ यात्रा सीरीज़ की जो शुरुआत है एक मंदिर से करेंगे। अगर गुरुवायूर धाम की लोकेशन की बात करें कोची, उससे इसकी दूरी 90 किलोमीटर है। आपको पहले कोची अगर उतरते हैं तो वहाँ से बस की सुविधा रहती है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य बड़ा शहर केरला का त्रिशूर करके, उससे मात्र गुरुवायूर की दूरी 25 किलोमीटर है। आप एक घंटे में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ के प्रसाद से लेकर ड्रेस कोड तक एक बिल्कुल अनुशासन में हर चीज़ की जाती है। तो आज हम एक एक करके गुरुवायूर धाम को बहुत ही करीब से जानेंगे। तो मेनली यहाँ पर ना चार एंट्रेंस है। इस समय मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ जिसे कहते हैं ईस्ट नाडा स्ट्रीट, इसी तरह से वेस्ट स्ट्रीट है, नॉर्थ स्ट्रीट है। तो ईस्ट नाडा जो स्ट्रीट है ये सबसे मेन है। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी दोनों तरफ ही, और फिर सामने हमें मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं। ये गुरुवायूर धाम भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से आता है। यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन है सुबह 3 बजे से शुरू हो जाते हैं। अगर आप 3 बजे करना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के बाहर पहुँच गए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैग, पर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। ये सब हम अंदर क्लोक रूप में जमा करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, आप सिर्फ धोती पहन के ही अंदर जा सकते हैं। ये शर्ट भी हमें अंदर जाकर उतारनी पड़ेगी। तो चलिए पहले अपना मोबाइल और पर्स जमा करवाते हैं और उसके बाद दर्शनों के लिए जाते हैं, और फिर आपको यहाँ पर आकर महात्म्य बताते हैं श्री गुरुवायूर मंदिर का। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। सबसे पहली बात, आप अगर नॉर्मल लाइन में लगते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं यहाँ पर दर्शन करने में श्री गुरुवायूर मंदिर में। VIP टिकट का यहाँ पर जो चार्ज रहता है वो रहता है 1000 पर पर्सन, उसमें आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो पहले एक एक करके आपको बताता हूँ कि आपको अंदर जाकर दर्शन क्या क्या करने हैं। और सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को गुरुवायूर क्यों कहा जाता है। गुरुवायूर मंदिर 5000 साल प्राचीन है। द्वारका के समय में भगवान श्री कृष्ण जी की इस प्रतिमा की पूजा की जाती थी, जो आज के समय में गुरुवायूर में स्थित है। कहते हैं कि जब द्वारका डूब गई थी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चचेरे भाई उद्धव को उस बाल स्वरूप की जो प्रतिमा थी, भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा की जाती थी द्वारका के लोगों द्वारा, उसको लाने के लिए बोला था। तो उद्धव जी आगे जाकर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास सहायता के लिए जाते हैं, और फिर बृहस्पति जी वायुदेव की सहायता से उस प्रतिमा को पानी में से निकालते हैं और फिर एक विशेष उपयुक्त जगह ढूंढते हैं उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए। तो स्थान को ढूंढते ढूंढते बृहस्पति जी यहाँ पर इस गुरुवायूर क्षेत्र में आते हैं, और उनकी जो मुलाकात होती है यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती से होती है, और उन्हीं के कहने पर ही भगवान श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप की प्रतिमा को वो यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी भगवान शिव से। उस मंदिर के भी हम आपको दर्शन करवाएंगे जब गुरुवायूर मंदिर से निकलेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति और वायुदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की इस बाल रूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उर का मलयालम अर्थ भूमि होता है। इस गुरुवायूर शब्द का पूरा अर्थ है जिस भूमि पर देव गुरु बृहस्पति जी ने वायुदेव की सहायता से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की स्थापना की, और भगवान श्री कृष्ण जी के इस बाल स्वरूप को यहाँ पर गुरु वायुअप्पन कहा जाता है। तो यहाँ श्री गुरुवायूर में आपको एक और रिचुअल, रीति रिवाज मैं दिखाने लगा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जोड़े यहाँ पर आकर विवाह कर रहे हैं। ये मंदिर में आते हैं, मंदिर के बिल्कुल सामने, गर्भगृह के बिल्कुल सामने एक दूसरे को फिर से वरमाला ये देखिए पहना रहे हैं। और ये वरमाला ना जो ये तुलसी की वरमाला है, और जो भी इन्होंने विवाह के समय वो रीति रिवाज किए होते हैं
जैसे कि ये अभी सिंदूर लगा रहे हैं, वो सभी के सभी रीति रिवाज यहाँ पर मंदिर में आकर फिर से करने होते हैं प्रभु के सामने, फिर प्रभु के चरणों में आकर ये माथा टेकते हैं। इनका विवाह प्रभु के सामने यहाँ इस मंदिर परिसर में संपन्न होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही विशेष अनुभव हमने यहाँ पर आकर देखा श्री गुरुवायूर में। पूरे दिन में यहाँ पर 48 के करीब विवाह संपन्न किए जाते हैं। लगभग एक प्री वेडिंग ग्रुप में मैक्सिमम 20 लोग आ सकते हैं। तो गुरुवायूर तीर्थ स्थल में जो विवाह को लेकर इतनी मान्यता है, क्योंकि इसे धरती लोक का वैकुंठ कहा जाता है, और तो मान्यता है कि यहाँ पर जो भी जोड़े आकर विवाह करते हैं उनकी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल और लंबी चलती है। मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ परिसर में ही ना अभी हम जाएंगे, यहाँ प्रसाद मिलता है, पल पायसम करके बोलते हैं वो, उसकी पहले आपको टिकट काउंटर पर जाकर लेनी होती है। तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो प्रसाद लिया जाता है यहाँ भक्तों द्वारा। पायसम यहाँ पर जो आपको दक्षिण भारत में राइस, गुड़, घी, दूध से बना हुआ एक प्रसाद है। यहाँ पर आपको पहले टिकट लेना होता है 125 रुपये का, 200 का, जिस तरह से भी आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको काउंटर पे जाना होता है जहाँ से आपको कंटेनर मिलता है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, ये पायसम मिलता है आपके इस कंटेनर में, वो पायसम को डाल दिया जाता है और जो भक्त हैं वो अपने घर में भी ले जा सकते हैं, और जहाँ पर बैठ कर खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। बेहद ही स्वादिष्ट था ये पायसम जब हमने भी खाया, जब आप श्री गुरुवायूर मंदिर दर्शन करने के लिए आए, तो इस पल पायसम का जो स्वाद है वो लेना ना भूलें। घी पायसम, ये घी पायसम। तो गुरुवायूर मंदिर में दर्शन करने का जो समय रहता है सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 तक आप दर्शन कर सकते हैं। फिर मंदिर 4 घंटे के लिए बंद रहता है, और फिर शाम को 4:30 से लेकर 9:30 तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पर गुरुवायूर जी की जो पुरानी कथा है वो भी आपको बताई है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो यहाँ पर ईस्ट नाडा स्ट्रीट पर ही अभी हम खड़े हैं। तो केरल में मुख्यतः मेनली ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं खाने के लिए, चलिए देखते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं, ईस्ट नाडा स्ट्रीट पर ही है, मंदिर से जस्ट 50 मीटर की दूरी पर रामा कृष्णा ऑर्डर करके है। 1956 से ये आउटलेट है यहाँ पर। भीड़ यहाँ पर बहुत रहती है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो हमने अपने लिए केरला का जो फेमस ब्रेकफास्ट पुट्टू और कटला कड़ी ऑर्डर किया है, विद कटला कड़ी। तो ये पुट्टू हमारा आ चुका है, ये देखिए, इसे कहते हैं पुट्टू, और ये है कटला कड़ी। कटला बेसिकली ब्लैक चने होते हैं, ग्रेटेड कोकोनट होता है और ग्रेवी होती है। पुट्टू की अगर आप आगे देखेंगे तो कोकोनट की लेयर है, बीच में कोकोनट की लेयर है, और फिर एंड में कोकोनट की लेयर है। तो इसको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले जो इनका सांचा होता है उसमें ये नीचे कोकोनट डालते हैं, फिर जो ये राइस फ्लोर होता है जिसमें नमक भी ऐड किया होता है उसकी एक लेयर डालते हैं, फिर कोकोनट डालते हैं, फिर उसकी एक लेयर डालते हैं राइस फ्लोर की, फिर एंड में कोकोनट डालते हैं, फिर उसको ऊपर से देखिए बंद कर दिया जाता है, फिर स्टीम्ड है जो जो पुट्टू बनाया जाता है, जो स्टीम डिश है केरला की, तो उसको जो बंद करके फिर स्टीम्ड किया जाता है और ये पुट्टू पूरे का पूरा तैयार हो जाता है। इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप रहती है इसकी, इसमें हमें जीरा वगैरह भी दिख रहा है डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पुट्टू, कर दिया हमने कोकोनट की जो लेयर थी आगे वाली, और ये चने हैं जो इसमें भी कोकोनट डाला जाता है, कोकोनट है, अनियन है, टमाटर की ग्रेवी है, अदरक है, कटला कड़ी बोलते हैं। तो ये केरल में ब्रेकफास्ट के तौर पर खाए जाने वाली सबसे फेमस आइटम है, जिसको ना ऐसे इस तरह से मैश करके यहाँ पर खाया जाता है, कटला कड़ी और कुट्टू को मिक्स करके। बेहद ही लजीज कॉम्बिनेशन, वाह। सबसे पहली बात कोकोनट का फ्लेवर सबसे ज़्यादा इस डिश में आता है, चाहे वो कटला करी में चाहे पुट्टू में। कटला करी यहाँ पर थोड़ी सी स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है,
बेसिकली न्यूट्रिशियस डिश है, ये हल्की डिश है, मैं बोलूँगा काले चने और ये स्टीम सिलेंड्रिकल राइस बोल्स, मैं इसको बोल सकता हूँ। ये देखिए जो मैं आपको अंदर वाली लेयर की बात कर रहा था, ये हमने जब आधा कर दिया था, ये अंदर से जो लेयर है कोकोनट की वो है। ये केरल में हमारा पहला दिन था, पहले दिन ही हमने ये ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट किया, बहुत पसंद आया हमें, अलग तरह का कॉम्बिनेशन था, लेकिन मैं कहूँगा कि एक न्यूट्रिशियस डाइजेस्टिव और हल्का एक आपके लिए ऑप्शन है जब आप केरल में। मस्ट ट्राई कटला करी विद पुट्टू, और पुट्टू की बहुत सारी वैरायटीज होती है, रागी पुट्टू है, राइस पुट्टू है जो हमने अभी अपने लिए मंगवाया है, और भी अलग अलग तरह से जिस तरह से आप इसमें फिलिंग भरते जाएंगे जो पुट्टू है वो अपनी वेरिएशन बदलता जाएगा। ये कटला करी हमारी ख़त्म हो चुकी है, हमने अपने लिए और मंगवाई है एक कटोरी, आ गई है कटला करी, टेस्टी लगी है हमें। नारियल के चंक्स दिख रहे हैं इसमें मोटे मोटे, ये देखिए, ये देखिए नारियल का चंक देखिए। हम अभी अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करते हैं और उसके बाद गुरुवायूर के दूसरे मुख्य तीर्थस्थल मामियूर महादेव मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप में स्थापित हुए। महादेव जी का वो मंदिर है, वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके मंदिर परिसर में से गुजरते हुए ममयूर शिव मंदिर की तरफ जा रहे थे कि गुरुवायूर मंदिर के मुख्य परिसर में ही हम यहाँ पर एक खास परंपरा को देख रहे हैं, जिसे कि यहाँ पर केरल की धार्मिक भाषा में कहा जाता है सिवेली। केरल राज्य में कोई भी धार्मिक कार्य हो तो उसमें हाथियों का एक विशेष महत्व रहता है। गुरुवायूर मंदिर की एक और खास परंपरा है जो कि पूरे केरल में प्रसिद्ध है, वो है सिवेली। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सिवेली की प्रथा है क्या। हाथी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ दिन में 3 बार हाथियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के उस बाल स्वरूप को सलामी दी जाती है, पूजा की जाती है, उस पद्धति को कहते हैं सिवेली। तो सिवेली में क्या है, सुबह 7 बजे होती है एक बार, उसके बाद 3:30 से 4:30 बजे के बीच में होती है, फिर रात को 8:30 में ही ये वाली जो परंपरा है सिवेली की जाती है। तो सर्वप्रथम तो 2 मुख्य शब्दों से सिवेली शब्द जुड़ा हुआ है, सिरी प्लस बलि। सिरी यहाँ पर मदर गोडेस मुख्य माता को बोला जाता है और बलि मतलब ऑफरिंग। यहाँ पर केरल में एक रिचुअल है, रिवाज है कि कोई भी बड़े त्यौहार से पहले सिवेली निकाली जाती है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में वो जो परंपरा है सिवेली की बताई गई है। ये मंदिर है, ये हाथी है, हाथी को यहाँ पर सजाया गया है, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि नेति पट्टम कहते हैं, पीछे जो मुख्य पुजारी होते हैं। और क्या होता है कि 3 से 4 जैसे हाथी हैं, मान लीजिए उनमें से जो सबसे आगे वाला हाथी है उसके ऊपर भगवान की जो उत्सव मूर्ति होती है जो कि मूल मूर्ति का प्रतिरूप होता है उसको रखा जाता है, साथ में पुजारी होते हैं और उसके पीछे 3 से 4 हाथी चल रहे होते हैं, तो साथ में वाद्य यंत्र चल रहे होते हैं, यहाँ पर उन्हें नाद स्वरम कहा जाता है, और उस वाद्य यंत्र से जो टेंपल प्रीमाइजिस है वहाँ पर पूरा एक चक्कर लगाया जाता है मंदिर के आसपास के घेरे में, और फिर उसी मूल स्थान पर आकर हाथी खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से इस सिवेली की परंपरा हर दिन यहाँ पर 3 बार की जाती है। तो जब भी आप गुरुवायूर मंदिर में आए तो इस सिवेली परंपरा का अनुभव ज़रूर लीजिएगा। आपको हर मंदिर में तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन मुख्य मुख्य मंदिरों में यहाँ पर केरल में ये परंपरा की जाती है। वैसे तो आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं दर्शन करने में, लेकिन अगर आप सिवेली देखना चाहते हैं ना तो एक प्रवेश द्वार है मंदिर का, आप सीधा ही अंदर जा सकते हैं, आपको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जाइए वहाँ पर, आपको जब सिवेली की परंपरा ये रिचुअल सारा कर रहे होते हैं वहाँ के पुजारी, आप देख सकते हैं।
अभी गुरुवायूर मंदिर से 400 मीटर का सफ़र तय करके हम गुरुवायूर के दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल पर पहुंच चुके हैं। नाम है ममयूर श्री महादेव मंदिर। कहानी मैं आपको बताता हूं, जब देवगुरु बृहस्पति और वायुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की वो बाल रूप की प्रतिमा लेकर एक उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्हें भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी पवित्र जल क्रीड़ा करते हुए यहाँ दिखाई दिए। रुद्र तीर्थम उसका नाम है, जो तालाब है वो इस मंदिर के बिल्कुल पीछे है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भगवान शिव से मिलते हैं, तो उस समय फिर भगवान शिव उन्हें आदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जो बाल रूप प्रतिमा है वो उस स्थान पर स्थापित करें, यहाँ पर आज के समय में गुरुवायूर मंदिर स्थापित है। तो महादेव जी को इस स्थान पर ममयूर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। ममयूर का यहाँ पर मतलब है लैंड ऑफ ग्लोरी, महिमायूर इसका पौराणिक नाम था, तो अब ब्रंच होते होते आज के समय में इसे ममयूर कहा जाता है। तो गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में स्थापित है, और ममयूर में यहाँ पर आपको महादेव जी स्थापित मिलेंगे, जिस स्थान पर वो जल क्रीड़ा कर रहे थे माँ पार्वती जी के साथ। तो अंदर चलकर दर्शन करते हैं। गुरुवायूर से 10 से 12 मिनट का आपको समय लगता है अगर आप पैदल भी इस मंदिर में पहुँचना चाहें। गुरुवायूर के ममयूर मंदिर में आना एक रिचुअल की तरह माना जाता है। जो लोग गुरुवायूर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर दूसरा जो मुख्य तीर्थल इस ममयूर शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो एक तरह से ममयूर शिव मंदिर वह स्थान है जहाँ से माँ पार्वती जी और भगवान शिव ने भगवान श्री गुरुवायूरप्पम स्वामी को स्थापित होते देखा। तो इस समय मैं खड़ा हूँ रुद्र तीर्थम ममयूर देवस्थानम पिलग्रिमेज सेंटर। ये ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर जो स्टेइंग ऑप्शंस की सुविधा दी गई है रहने वाले यात्रियों के लिए। मुख्य मंदिर है जो गुरुवायूर का, यहाँ ट्रस्ट से उसकी दूरी मात्र 400 मीटर है, 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर आप पैदल यात्रा करते हुए चलते हैं। तो हमें जो रूम यहाँ पर पड़ा है नॉन एसी का, वो पड़ा है 650 फॉर 2 पर्सन 1 नाइट। अगर आप एसी कमरा लेते हैं तो उसका चार्ज रहता है 1200 रुपये। आप ऑनलाइन करवाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमें यहाँ पर आकर मिल गया क्योंकि भीड़ अधिक नहीं थी। यहाँ देवस्थान में या प्राइवेट होटल्स आप कहीं पर भी लेते हैं तो ये एक व्यवस्था आपको बहुत बढ़िया लगेगी कि जो होटल्स के चेकआउट टाइम रहता है वो 24 आवर्स का रहता है, यानी कि आप जिस समय चेक इन करते हैं अगले दिन उसी समय में आप चेकआउट कर सकते हैं। आप 24 घंटे के लिए पूरा एक दिन यहाँ पर रह सकते हैं। तो ममयूर महादेव मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम यहां से जा रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी सेंचुरी देखने के लिए, एलिफेंट सेंचुरी। यहां पर हाथियों को रखा जाता है। केरल में हाथी का एक धार्मिक महत्व रहता है, चाहे कोई भी सेरेमनी हो, कोई भी स्पिरिचुअल सेरेमनी हो या फंक्शन हो। तो यहां से वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शर्ट हम फिर से पहन लेंगे क्योंकि महादेव के इस मंदिर में भी ऊपर कोई वस्त्र अलाउड नहीं रहता। तो फिर आपको वहाँ पर जाकर मिलते हैं। अभी हम एलिफेंट सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। एशिया की सबसे बड़ी एलिफेंट सेंचुरी है, जो लगभग 56 के करीब यहां पर हाथी हैं। 20 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है, 25 रुपये मोबाइल का अगर आपने साथ में अंदर लेकर जाना है फ़ोटो के लिए, 25 रुपये उसका अलग से है। हमने कैमरा भी लिया है तो 100 रुपये उसका लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एशिया की सबसे बड़ी एलिफेंट सेंचुरी। तो अभी सामने जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हाथी को नहलाया जा रहा है। 2 से 3 व्यक्ति लगते हैं एक हाथी को नहलाने के लिए। देखिए कितने आराम से यहाँ पर हाथी लेटे हुए हैं और इस हाथी की बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई की जा रही है। तो यहाँ पर वर्कशॉप भी बनाई गई है कि अगर किसी हाथी को कोई बीमारी लग जाती है तो उस हाथी का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर एक हाथी को पालने के लिए आपको 4 से 5 वर्कर्स की ज़रूरत होती ही है। तो पूरी एलिफेंट सेंचुरी में आप जान सकते हैं कि कितने ही वर्कर्स लगे होंगे इन 56 के 56 हाथियों की रखवाली के लिए। तो इसी तरह से आपको इस पूरी सेंचुरी में हाथी ही हाथी दिखेंगे, और कोई ना कोई हाथी हर विशेष कार्य में व्यस्त रहते हैं। और यहीं से ही जो गुरुवायूर मंदिर में पूजा के लिए भी हाथी जाते हैं, कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई टहल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव कहा जाता है हाथी, उसके बीच में रहने का भी आपको एक विशेष अनुभव मिलेगा। तो पहले ना इन हाथियों की जो संख्या थी वो कम होती थी, तो इसलिए मंदिर के पास ही इनका रखरखाव किया जाता था। लेकिन अब लोग खुद से जब दान करते हैं हाथी, तो संख्या अधिक होने से, 56 के करीब होने से,
अब इनके लिए यहाँ पर इस सेंचुरी का निर्माण किया गया है। तो हमने पूरा राउंड लगा लिया, हमें लगभग 45 से 50 मिनट लगे हैं और हमने हाथियों की जो गिनती की है, संख्या की है, हमें जो दिखाई दिए हैं वो 35 के करीब दिखाई दिए। तो बीच में भी थे कई, वो हमने नहीं गिनती की है। तो अभी वापसी करते हैं मंदिर के तरफ, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, तो रास्ते में अगर कुछ यहाँ पर पीने के लिए मिलता है तो वो भी देखते हैं। केरल में वैसे मौसम इस तरह से ही रहता है, गर्म ही रहता है, तो आप जब भी कभी आएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि केरल में आपको बिल्कुल हल्के कॉटन कपड़े को ही चूज़ करें। तो अभी गर्मियों में बहुत लग रही थी, धूप भी तेज हो चुकी है, तो यहाँ पर हम आए हैं। अभी केरला का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, समर ड्रिंक, उसको बोलते हैं अवल मिल्क करके। हमने ऑर्डर किया फ्रूट अवल मिल्क। ये केरल का ट्रेडिशनल समर ड्रिंक है। पोहे को ही यहाँ पर अवल या एविल कहा जाता है। रोस्टेड पोहा आप देख सकते हैं, तो रोस्टेड पोहा को यहाँ पर दूध में डाला जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पोहा राइस फ्लेक्स, पोहे के फ्लेक्स हैं। ये फ्रूट दिख रहे हैं, ये आइसक्रीम है, तो इसमें दूध डाला गया साथ, और साथ में इसके ना राइप बनाना, जो बहुत ज़्यादा पके हुए केले हों वो डाले जाते हैं। अभी पहला स्पून लेते हैं, देखता हूँ कैसा लगता है। ये देखिए पोहा, देखिए कितना सामने जो आ रहा है रोस्टेड पोहा कैमरे में, अगर आपको दिख रहा हो। ये वो नूडल्स से भी डाले हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, फलूदा। पहला एक्सपीरियंस पोहे का यूज़ इस तरह से देख रहा हूँ किसी समर ड्रिंक में, और टेस्ट की बात करूँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया। इस तरह से भी मैं कहूँगा कि ऐसा पहली बार कोई ड्रिंक पी रहा हूँ मैं जिसमें कि आपको क्रंचीनेस आ रही है, कोई जो खाने वाली वस्तु डाली गई है, पोहा रोस्टेड है। तो यहाँ केरल में आप जब पियेंगे ना ये अवल, आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। हम अभी फ्रूट अवल मंगवाया हमने अपने लिए, इसमें आइसक्रीम थी, बहुत सारा फ्रूट था, इसमें ना मूँगफली भी डाली हुई है। 70 रुपये इस गिलास का रेट है। तो अभी शाम का समय हो चुका है, जो एविल ड्रिंक पीने के बाद ना यहाँ पर अभी गुरुवायूर मंदिर में हम 2 से 3 और एक्टिविटीज़ रह चुकी हैं जो मंदिर में आपको दिखानी है, लेकिन उसमें अभी टाइम है, तो इसलिए हम आपको मंदिर के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर फेमस उडुपी ब्राह्मण्स में बिरयानी मिलती है, वेज बिरयानी, वो पहले खाकर अपना डिनर करते हैं। हेलो जी, हमारी बिरयानी आ चुकी है, वेज बिरयानी। मंदिर का जो मुख्य मेन टेंपल है ना, उससे बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर है ये उडुपी ब्राह्मण्स करके, आपको यहाँ पर वेज बिरयानी मिलती है मेनली। तो ये बिरयानी देखिए आप, 90 रुपीज़ इस प्लेट का चार्ज है, साथ में इन्होंने वेजिटेबल वाला कट दिया, अचार दिया, और ये देखिए स्पेशल केरल की। आप कहीं पर भी जाएंगे केरल में, आपको ऐसा पानी मिलेगा, पानी का कलर चेक कीजिए पहले, हल्का हल्का ये गर्म रहता है, और इसको बोलते हैं आयुर्वेदा वाटर, जिसमें बहुत से यहाँ के जो लोकल स्पाइसेस डाले जाते हैं डाइजेस्टिव के लिए, ये बहुत बढ़िया रहता है। तो ये आपको यहाँ के होटल्स में नॉर्मल मिलता है, सभी जगह पर ऐसा ही होता है, ये हमने केरल में ही देखा है। पानी को पी के देखता हूँ मैं इसका टेस्ट में। टेस्ट नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं होगा आपको कि इसमें कुछ डाला गया है तो उसकी वजह से आपको टेस्ट थोड़ा सा ऐसा ख़राब लगे, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़िया। तो ये बिरयानी को जब मैं देख रहा हूँ ना, तो इसमें मेरे को खड़े मसाले बहुत दिख रहे हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, यहाँ पर स्टार नीज करके एक मसाला है केरल में, ये देखिए इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ भी एक एक करके। अभी मेरे को स्प्राउटेड मूंग दिख रही हैं, बीन्स दिख रही हैं, आलू दिख रही हैं, कैरेट दिख रही है, बड़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। पहला चम्मच डाला है, पहली बाइट में ना मज़ा आ गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शानदार टेस्ट होगा इसका। हाँ, जो मैंने बात की पहले कि गरम मसाले मेरे को दिख रहे हैं खड़े गरम मसाले, इतना प्रेग्नेंट टेस्ट है इसका, इतना सुगंधित इसका स्वाद है बिरयानी का, वेज बिरयानी का। अपना इसमें दही डालते हैं, चेक करते हैं। दही में बेसिकली प्याज, हरी मिर्च, कैरेट, बड़ी
जहीं से भी टेस्टी है। एंड मैं सच बताऊँ तो मेरे को अकेली ही बिरयानी बहुत टेस्टी है। उसको दही को ना, इसको दही को मैं अलग से खा के देखता हूँ। बिरयानी को भी आप अकेले खाइए, मैं तो यही कहूँगा, और दही को भी आप अकेले ही पिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया। पहली बार ऐसी बिरयानी खा रहा हूँ जिसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं ये खड़े मसाले के, कि अभी मैंने खा ली है ना आधी से ज़्यादा, तो मेरी जो जुबान पर सिर्फ मसालों का टेस्ट रह गया, वो तो काफ़ी तेज़ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तेज़ लगेंगे आपको ये मसाले, तो मज़ा आया। ऐसी तीखी बिरयानी खाने का, तीखी का मतलब यहाँ मेरा मिर्ची से नहीं है, स्पाइसीनेस से नहीं है, जो मसालों का तीखापन है, जो मसालों का तेजपन है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो खड़े मसालों की ना आप क्वांटिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखिए 1, 2, 3 इलायची मैंने बाहर निकाल ली है, एक मेरे मुंह में आ गई, लौंग, मोटी इलायची। तो ये बिरयानी ख़त्म करने के बाद ना अभी हम मंदिर में ही जाएंगे, वहाँ पर दीपोत्सव होता है शाम के समय, रात के समय, वो आपको दिखाना है, तो इसको फिनिश करते हैं। कोई भी रिचुअल्स है जो रह गए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अभी हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने हैं, यहाँ पर कृष्ण नटम कली चल रहा है, जो कि गुरु वायूर मंदिर में काफी प्रचलन में रहता है। तो यहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं वो भगवान की कथाओं का यहाँ पर नृत्य के रूप में प्रस्तुति गायन करते हैं। पूरा दिन ही लगभग यहाँ पर ये चलता रहता है, मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर दिन जो दीपोत्सव किया जाता है, तो वो भी आप अगर गुरुवायूर धाम में हैं तो दीपोत्सव भी देख सकते हैं। तो रात के समय भी आप यहाँ पर जो शिवेली का मुख्य समागम होता है 9:30 के करीब, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम वापस अपने होटल के वेटिंग लाउंज में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपने गुरुवायूर में आना ना है तो आपको पूरा एक दिन यहाँ पर रुकना चाहिए नाइट तक, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स हैं यहाँ पर जो देखने लायक हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का, केरल का सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण जी का ये गुरुवायूर मंदिर का आज का एपिसोड था। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा। केरल के तटीय क्षेत्रों के तीर्थ स्थलों की यात्रा आगे भी जारी रहेगी।